ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పేదల ఉసురు పోసుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఏం చెప్తుంది మేమట ఇళ్ళన్ని ఊలగొట్టి వరల్డ్ బ్యాంక్ కు ఈ భూమిని గుదబెట్టారట ప్రపంచ బ్యాంక్ కు మన భూమిని గుదబెట్టి ఈడ టూరిజం పేరు మీద మూసి నది సుందరీకరణ పేరు మీద రిసార్ట్లు కట్టి హోటళ్లు కట్టి నేను ఏదో ఉద్ధరిస్తా అంటుండు ఎవరిని దెబ్బగొడుతున్నావు పేదవాళ్ళ చెమట చుక్కల మీద కట్టవా పేదవాళ్ళ కన్నీళ్ల మీద మూసి సుందరీకరణ చేస్తావా పేదవాళ్ళ రక్తం మీదను మూసి సుందరీకరణ చేస్తావా చేయడానికి పనులు లేవా చాలా పనులు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఇచ్చిపెట్టి దీని మీద ఎందుకు పడ్డావు ఎలక్షన్ మే క్యా బోలా రేవంత్ రెడ్డి బహనోంకు 2500 రూపాయ దేతే బోలా దియే క్యా 2500 वो हम असेंबली में हम पूछे तो क्या बोलता तुम बोले 100 दिन में 2500 रुपए देते बोले कब देते बोल के हम असेंबली में पूछे तो क्या बोलता पैसे नहीं है मेरे पास बोल रहा फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ बहनों को जो वादा करके 2500 के लिए पैसे नहीं है बोल रहा ये मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा कहां से 1.5 लाख करोड़ देंगे तू अरे इन्हें बताए बेवा बूढ़ा लोगों को जो केसीआर साहब ने 200 रुपए का पेंशन 2000 करे थे वजीफा 2000 करे इन्हें इलेक्शन में जीतने के लिए क्या बोला मैं दिसंबर में जीतने के बाद अगले महीने से 4000 देते बोला मिला क्या किसी को मिला क्या कारवान में नहीं मिला हम असेंबली में पूछा कब से देंगे 4000 बोलते हैं कि पैसे नहीं है फिर आप वजीफा देने के लिए पैसे नहीं है तो मुसी प्रोजेक्ट बनाने को 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा क्या तुम्हारा मैनिफेस्टो में मुसी का बात नहीं बोला ना तू मैनिफेस्टो में बोला कि वजीफा 4000 देंगे महिलाओं को 2500 देते बोले वो काम छोड़ के आप मूसी के बाद बात कर रहे केसीआर साहब जब थे आप लोगों को इलेक्शन में हम वादा नहीं करे आप लोगों कोई दरखास्त नहीं दिए फिर भी केसीआर आपके बेटी के शादी के लिए शादी मुबारक में 1 लाख रुपए का चेक दिया रेवंत रेड्डी क्या बोला 1 लाख दे रहे केसीआर साहब अच्छा है मैं जीते तो 1 लाख के साथ 1 तुला सोना भी देते बोला बेटा दिया सोना तुलम बंगारम अच्छी लहल करना घर सोना बना दिया सोना नहीं दिया हम असेंबली में पूछा कब से सोना देंगे बोलता है कि पैसे नहीं है जो वादा करे उसके लिए पैसा नहीं है मूसी के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा को मूसी किसके लिए बना रहा तू किसी के लिए बना रहा उसमें किसको कितने पैसे मिलने वाला है इसमें कौन कौन मिला हुआ है ये बात करने क्या है इस वास्ते आप सोचिए ये मूसी जो है जब केसीआर साहब थे केसीआर साहब कभी भी बनाने का काम करा गरीबों के लिए मकान बनाए पानी दिया फ्री में आप लोगों को अच्छा बिजली दिया रोडा डाला शादी के लिए मदद करा बच्चों के लिए स्कूल लगा के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए खाना भी दिए 6 किलो चावल दिया जब कोरोना आए तो 10 किलो चावल दिया नहीं दिया कोरोना में 10 किलो चावल मुफ्त में कोरोना में दिया केसीआर साहब बनाने का काम करा दवाखाना बनाए रमजान में कपड़ा दिए लेकिन रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है केसीआर साहब बनाने का काम करे तो रेवंत रेड्डी तोड़ने का काम कर रहा अब तोड़ने का काम इन्हें कर रहा बनाने का काम केसीआर साहब करा हमारा जरा सुनो बनाने का काम केसीआर साहब करे तो तोड़ने का काम रेवंत रेड्डी कर रहा मैं आप सब लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं केसीआर साहब ने हमें आपके पास भेजा है केसीआर साहब भिजाए तो हम आपके पास आए हैं आपको हिम्मत देने के लिए हम आया हैं।
यहाँ कोई बुलडोजर नहीं आएगा, आप कोई चिंता मत करो। अब राहुल गांधी क्या बोल रहा है देश में, महाराष्ट्र जाके हरियाणा जाके राहुल गांधी बोल रहा ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा बोल रहा। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले बुलडोजर राज चला रहे, योगी आदित्यनाथ दास ये बोलता है राहुल गांधी बुलडोजर राज नहीं चलेगा। फिर तुम्हारा सीएम क्या कर रहा है हैदराबाद में? राहुल गांधी पहले तुम्हारा सीएम को समझाओ, बुलडोजर राज बंद करने के लिए बोलो तेलंगाना में, नहीं तो अगर से तुम बंद नहीं करने आए तो तुम्हारा हाथ का सिंबल निकाल के बुलडोजर का सिंबल लगा लो, बुलडोजर का सिंबल लगा लो, जब पूरे लोग मिलके तुम्हारे को सबर सिखाएंगे बेटा। क्या समझ रहे? थोड़े लोग आके आपको भटकाने का कोशिश कर रहे, नहीं डबल बेडरूम खत्म होता जल्दी ले लो, नहीं तो नहीं मिलता, डरेना के काम कर रहा। क्या तुम्हारा बाप का जागीर है? तुम कैसा लेता हमारा, तू कौन है? आप लोग यहाँ से 30 साल 40 साल 50 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, 60 साल से यहाँ हैं। कौन परमिशन दिया? पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन दिया। आपका जमीन रजिस्ट्रेशन करे म्युनिसिपल ऑफिस में परमिशन मिला, आप उसके लिए टैक्स बन रहे, बिजली का बिल बन रहे, पानी का कनेक्शन लिए, वो 40-50 साल से आप लोग यहाँ जी रहे। एक घर बनाना एक जिंदगी का, एक पूरा जिंदगी भर मेहनत करें तो आप एक घर बनाएंगे, 100 साल का लिए घर बनाते। ये रेवंत रेड्डी आया 5 साल को, तू रहेगा 5 साल, 5 साल के बाद तो कैसे भी लोग निकाल देंगे तुम्हारा, कैसे भी निकाल लेंगे, लेकिन तुम 100 साल का मकान गिराने का हक कौन दिया तुम्हारा, मैं पूछना चाहता हूँ, तू कौन है? पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन देता, तुम्हारा कांग्रेस गवर्नमेंट आके तोड़ते क्या? अगर से केस लगाना है तो जो गवर्नमेंट परमिशन दिया उसके ऊपर केस लगाओ, जो परमिशन दिया वो ऑफिसर के ऊपर केस लगाओ, लेकिन गरीबों का घर टच नहीं करना बोल के मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, अगर बुलडोजर चलना है तो हमारा ऊपर चलना है, लेकिन आपके घरों को टच नहीं कर सकता, हम आपके करीब रहेंगे। आप फोन करें तो 15 मिनट में आपके पास आएंगे, दीवार बनके हम ठहरेंगे, दीवार बनके हम ठहरेंगे, लेकिन आपके घर को कोई टच नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने का नहीं है, लेकिन आप मिलके रहिए। थोड़े लोग भटका के डबल बेडरूम ले बोल रहा, वो कहाँ देता डबल बेडरूम, आए कहा दिए से वाले को घर मिल रहा नहीं, वो कोई अंदर आने नहीं दे रहा, लेकिन तुम डबल बेडरूम कहीं देते होंगे, बच्चे कहाँ पढ़ना आपका, बेरोजगार आप काम कर लेते आजू बाजू में, वहां जाए तो काम कैसा मिलता या क्या फैसिलिटी रहेगा? और एक बात बोलना है, किसी हाल में देना नहीं, उसका डबल बेडरूम जरूरत ही नहीं है, वो भी अपना डबल। लेकिन और एक बात भी आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूँ, अपन मानने का नहीं है लेकिन आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूँ, 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट ये कांग्रेस ने हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट में लाया, उसमें क्या बोले, अगर से किसी का घर वो FTL में रहें दो, बफर में रहें दो, सरकार के जमीन में रहें दो, वो किधर भी रहें दो, गरीबों का कोई जमीन लेना है, गरीबों का कोई मकान लेना है तो उसमें 3 रूल है, उसमें 3 रूल में क्या क्या है, जो मकान या जो झोपड़ी या छोटा जो भी घर है उसको कैलकुलेट करके 3 गुना पैसे देना, ये नंबर 1। नंबर 2, उनका बेरोजगारी के लिए 5 लाख रुपया देना। नंबर 3, डबल बेडरूम पूरे सहूलत के साथ, दवाखाना आंगनवाड़ी स्कूल पानी बिजली रोड, डबल बेडरूम मकान बन के देना। ये अपने दस्तूर में है, ये अपने दस्तूर में है, ये मेरी बात नहीं है, ये पार्लियामेंट का दस्तूर में है। बोले तो
अगर से किसी का सख्त में लेना भी है, 3 गुना घर का पैसे देना, सहूलत के साथ डबल बेडरूम देना, हर बच्चे को 18 साल के उम्र जितने लोग भी घर में है एक एक को 5 लाख रुपया देना, ये अपना दस्तूरी की बात है। लेकिन यहाँ के थोड़े छोटे मोटे लीडर आके क्या बोल रहे, अरे भाई डबल बेडरूम खत्म होता ले लो ले लो, वो 25 लाख का है, 20 लाख का है, वो किसका बाप का जागीर है? केसीआर साहब ने बनाया है वो गरीबों के लिए, केसीआर साहब ने वो डबल बेडरूम बनाया। इन्हें आके बांटता कहते, किसको बांटता? अपने को बांटता कहते, अपना मकान लेता केसीआर साहब बनाया सो देता कहते। क्या समझ रहे इन्हें? किसी हाल में देना नहीं। अगर से मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, कल बहन जी और मैं गांधी हॉस्पिटल गए थे, वहां मेडिकल शॉप था, हम ठहरे, लोग गांधी हॉस्पिटल से बाहर आके मेडिकल शॉप में दवा खरीद रहे। मैं पूछा यहाँ क्यों खरीद रहे, सरकारी दवाखाना है ना गांधी, अंदर नहीं दे रहा क्या? नहीं दवा नहीं है, कहते साहब बाहर खरीदो, बोले डॉक्टर साहब। लोग आके दवा प्राइवेट में खरीद रहे, सरकारी दवाखाने में दवा नहीं है। मैं फोन करके पूछा क्यों दवा नहीं है? साहब पैसे नहीं है, गरीबों को दवा देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हमारा टिमरी स्कूल में SC ST बच्चे जहां पर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, वहां पर 6 महीने से बच्चों का खाना का बिल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? का चेक भी लेट हो रहा, 2000 पेंशन भी लेट हो रहा, ये क्यों नहीं दे रहे? बोले तो पैसे नहीं है। जब किसी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये गरीबों का घर तोड़ के मूसी बनाने के लिए कहा पैसे आता तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास पैसे है नहीं, जो वादा करे वही नहीं दे सक रहे। बोले तो अपने को उल्लू बनाने के लिए अपना जमीन ले जाके वर्ल्ड बैंक में रख के वो लोन लेना चाह रहा, गिरवी रखने के लिए सोच रहा, अपने जमीन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख के वो लोन लेना चाह रहे। या गिरवी रखने देंगे? रखने देंगे कैसा रख? जब KCR से 10 साल, कभी ऐसा तकलीफ दिया आपको? कभी KCR साहब के 10 साल उम्र में कोई भी तकलीफ आया आपको? आपके बेटी डिलीवरी को गए तो दवाखाना में डिलीवरी करा के KCR किट दे के बच्चे को माँ को घर पे लेके आके छोड़ के गए ना? ये रेवंत रेड्डी आया, KCR किट बंद हो गया, न्यूट्रिशन किट बंद हो गया, दवा बंद, दवाखाने में दवाई है नहीं। ये काम क्या पागल कमा कर रहा है इन्हें? ये क्या कामा कर रहे? आप लोग समझने का कोशिश करिए। ఈ సందర్భంగా అక్క చెల్లెలకు చెప్పేది ఒకటే, ఇవాళ మీరందరు కూడా టీవీల్లో పేపర్లలో చెప్తున్నారు KCR అన్న ఎక్కడుందో మమ్మల్ని కాపాడు అంటున్నారు మీరందరూ, అందుకే KCR అన్న మమ్మల్ని దోలించిండు. మీకు ధైర్యం ఏమన్నాడు? నీ తెరువు ఎవడన్నా వస్తే మమ్మల్ని గోడగా అడ్డు గోడలాగా నిలబడి మిమ్మల్ని కాపాడమని దోలిండు KCR. మీరు కలిసి ఉండండి, ఎవడో వచ్చి ఏదో చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఆడితే భయపడద్దు. ఏక్ మినిట్ మై ఆతే వక్త్ తోడే బహన్ అరే ఠహరో భయ్ మై బంద్ మై హో గయా మై ఆతే వక్త్ తోడే బహన్ మేరా హాత్ పకడ్ కే పూచే హరీష్ భయ్యా ఏ కాంగ్రెస్ వాలే సే తేరా ఆప్ లోగ్ నహీ మిల్నా బోల్ కే మేరా మై బహన్ పూచ్ రా ఉన్ లోగోన్ కో తోడా డౌట్ ఆయా ఏ బహన్ పూచా కి ఏ కాంగ్రెస్ సే नहीं मिलना हरीश भैया हमारे को बचाओ बोल के मेरी बहन पूछा। मेरा बहन को मैं वादा कर रहा हूँ, मेरा बहन को मैं वादा कर रहा हूँ, जान देने के लिए तैयार है लेकिन कांग्रेस से मिलने के लिए तैयार नहीं है। जान देने के लिए तैयार है, आपका घरों को कोई बुलडोजर आके टच भी नहीं करेंगे। हम आपका, हम आपके साथ है, आप कोई चिंता मत करो। जय तेलंगाना। Come on, come on, come on.